तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जो के फ़ायद। पहली वही के नज़ूल के वक्त ग़ारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और दूसरी कोई चीज़ थी तो वह सत्तू की सूरत में जो की ग़िज़ा मौजूद थी। गोया जो की ग़िज़ा को ये सआदत हासिल है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ लम्से मुबारक हासिल है बल्कि ये पसंदीदा ग़िज़ाओं में भी शामिल रही है। यही वजह है कि जो की ग़िज़ा 8000 साल से मुत्तकी और परहेजगार लोगों की मनपसंद और मरहूब ग़िज़ा जानी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना में से जब कभी भी कोई अगर तंदुरुस्त ना रहता तो हुक्म दिया जाता कि जो के दलिए से उसे ज़रूर तवाज़ो करवाएं। जो की ग़िज़ा खाना सुन्नत तो है, मगर इसकी फसल को जिस ज़मीन पर काश्त किया जाता है ये हैरान कुन अमर है कि वो ज़मीन भी सेहतियाब हुए बगैर नहीं रहती, यानी तंदुरुस्त हो जाती है। ये ग़िज़ा अगर कोई बुज़ुर्ग खाता है या कोई बीमार शख्स खाता है तो तवानाई का यह ख़जाना जिस्म के अंदर जाकर आंतों, शरियानों और दिल की नालियों को साफ़ करके कुशादा कर देता है। 21 अहदीस मुबारका का हवाला जो की ग़िज़ा से मुंसलिक है और एक हदीस का खुलासा है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जो की ग़िज़ा में मौजूद है। जो के दाने में पानी, नाइट्रोजनी मरकबात, गूंद, चीनी और फैट की मामूली मकदार के अलावा 60% के करीब स्टार्च होता है, जो जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रोल को कम रखने में अहम किरदार अदा करता है। जो के दाने में तांबे की मकदार भी शामिल है जो बुज़ुर्गों और कमज़ोर लोगों में जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। इसमें सेलेनियम जैसा एक ऐसा धाती अंसर भी मौजूद है जो इंसान को छोटी आंत के कैंसर से तहफ़ फराहम करता है। जो की ग़िज़ा में फास्फोरस भी पाया जाता है। जो की ग़िज़ा खाने से खून के अंदर प्लेटलेट्स बनते हैं जो खून में फटकरियाँ नहीं बनने देते। जो के दाने में एक अंसर ऐसा भी है जो रेशेदार मादे की तरह होता है और जिसे फाइबर कहते हैं। ये आंतों में तेज़ी से हरकत करता है जिससे खून हर वक्त ताज़ा और शफाफ बनता है। फाइबर या रेशेदार मादे का जिस्म के अंदर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि यह जिस्म में से बाइल एसिड का अखराज करने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे पित्ते की पथरी बनने के इम्कान खुद ब खुद कम हो जाते हैं। जो कि ग़िज़ा खाने से उमुल मर्ज़ यानी कब्ज़ का सफाया भी हो जाता है और इसकी वजह भी जो में फाइबर का वाफर मकदार में पाया जाना है। एक अमाइनो एसिड लाइसिन नाम का ऐसा भी है जो की ग़िज़ा में शामिल है। ये कद बढ़ाने में पेश रहता है, यानी छोटे कद वाले ख़वातीनों हजरात भी अगर जो की ग़िज़ा को अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं तो उनके कद में नुमाया इजाफा हो सकता है। जो का दलिया बच्चों और बुज़ुर्गों की खुराक के तौर पर उस वक्त बेहतरीन तस्वुर किया जाता है जब इसे नीम गर्म खाया जाए। फ्रिज में रखा जाने वाला दलिया गर्म करके खाने से ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं रहता, इसलिए जितना दलिया खाना हो उतना ही पकाया जाए। जो की ग़िज़ा से बेहतरीन रंग में फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि जायके में शीरें, तासीर में सर्द होने के साथ साथ जो की ग़िज़ा भूख मिटाती और प्यास बुझाती है, जिस्म के मोटे फजलात को तोड़ती है, जहानत बढ़ाती है, गौर व फिक्र की सोच को तहरीक देती है, समात और बसारत को तकवीत बख्शती है, जहरीली रतूबतों का असर जायल करती है, मोटापा दूर करती है, जिस्म की चर्बी को पिघलाती है और खून को खालिस तर करती है। इसीलिए अहादीस में फरमाया गया है कि जौ में 100 के करीब बीमारियों का इलाज मौजूद है।